हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है और साथ में जानिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को अन्य किन किन नियमों से जाना जाता है, है ना। तो कल कुछ विद्यार्थी कमेंट में पूछ रहा था, देखिएगा थोड़ा सा, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो कल कुछ विद्यार्थी कमेंट में ये पूछा कि सर किरचॉफ के प्रथम नियम का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 0। ये किरचॉफ के प्रथम नियम का फॉर्मूला होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी का ये पूछना है कि सर इस तीनों में दिए प्लस, इस दोनों में माइनस क्यों दिए, यहां पर माइनस क्यों आ गया, आखिर ये प्लस और ये माइनस क्यों आ गया। तो चलिए आपको हम फिर से फिगर समझाते दोस्तों। मान लीजिए कि एक परिपथ यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से है। फिगर को समझाया दोस्तों, मान लीजिए कि टोटल ये फिगर है ना। इसमें देखिए इस तीनों का जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये देखिए I1, ये I2 और ये I3, इस तीनों का जो डायरेक्शन, और ये बीच वाले को हम लोग कहते हैं जंक्शन। मतलब क्वेश्चन ये था कि कुछ विद्यार्थी ने कहा कि सर ये विपरीत कैसे पता चलेगा। तो फिगर समझिए कि यहां से करंट गया इस ओर, यहां से करंट जा रहा है इस ओर, यहां से करंट जा रहा है इस ओर, लेकिन इस दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन को बिहेव करता है। कैसे देखिए, अब खुद समझिए कि इस देखिए कभी भी करंट का जो डायरेक्शन होगा है ना, तो इधर वाला का जो डायरेक्शन हो रहा है वो जंक्शन की ओर हो रहा है, लेकिन इधर वाला जो डायरेक्शन होगा वो जंक्शन से दूर के लिए होगा। अब जंक्शन से दूर के लिए होगा, इसका मतलब हो गया कि इस करंट का जो डायरेक्शन है और इस करंट का जो डायरेक्शन है वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। और जब विपरीत होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, I1 + I2 + I3 = इधर 3 है इधर 2 है = I4 + I5। इसका मतलब ये I4 मान लीजिए, ये I5 मान लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि इस ओर से जाने वाली सभी धाराओं का योग, इस ओर से जाने वाली सभी धाराओं का योग, मतलब कि इस जंक्शन की ओर, बात समझो, इधर से जो करंट जा रहा है ना, इसका मतलब होता है जंक्शन की ओर, है ना। ये बीच में जंक्शन है मान लीजिए ओ, इसका नाम है जंक्शन, कल बताए थे आप लोगों को। तो ये है जंक्शन। अब इधर से जो जाएगा, इसका मतलब किरचॉफ ने बताया था दोस्तों कि इधर से जो करंट जा रहा है वह जंक्शन की ओर है, तो जंक्शन की ओर जो जा रहा है उस सभी धाराओं का योग, जंक्शन की ओर जाने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग, है ना। और इधर से जो जा रहा है वो जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब इधर वाला तीनों करंट जंक्शन की ओर आ रहा है, इधर वाला दोनों करंट जंक्शन से दूर जा रहा है ना। तो जंक्शन की ओर आने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग और जंक्शन से दूर जाने वाले सभी धाराओं का योग इक्वल होता है ना। ये बात समझिए कि ये बीच वाला जंक्शन है, तो इधर से जो करंट जा रहा है उसका योग, मतलब सम जोड़ I1 + I2 + I3, है ना, और जंक्शन से दूर इधर वाला दूर जाता है, इधर वाला इधर नहीं आएगा, इधर वाला इसे दूर जाएगा, है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ ने कहा कि ये जंक्शन है, तो जंक्शन से इधर वाला जो पार्ट है वो करंट से दूर जा रहा है ना, तो इधर वाला जो धारा है उसका योग एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब बीच वाला जंक्शन, ऐसे समझो, बीच वाला जंक्शन
इधर और उधर, ये दोनों तरफ जो होगा वो करंट का योग सम होता है, बराबर होता है ना। इसका मतलब कि ये दोनों है प्लस में, इस दोनों को बराबर के इधर ले आए, जब इस दोनों को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस वाला इधर आ गया, क्या बन गया माइनस। इसीलिए हम लोग लिखते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला चीज दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है ना कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो सीधी भाषा में बोलिएगा कि चालकों की संधि पर, संधि मतलब जंक्शन, चालकों की संधि पर सभी धारा, टोटल धारा है ना, सभी धारा का बीजगणितीय योग है ना, चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। अब क्वेश्चन ये रहा कि सर ये माइनस क्यों है, तो कहिएगा कि देखिए इधर वाला जो जंक्शन के उधर वाले का जो डायरेक्शन होगा है ना, वह विपरीत दिशा में होता है। सवाल आया कि विपरीत दिशा में क्यों होता है, तो किरचॉफ ने बताया कि ये जंक्शन है, किरचॉफ ने बताया कि ये जंक्शन है, जंक्शन से बाई ओर, बाई ओर का जो डायरेक्शन होता है वह जंक्शन की ओर होता है। बात को समझिए, जंक्शन के बाई ओर जितना भी विद्युत धारा आप देख रहे हैं उसका डायरेक्शन हमेशा जंक्शन की ओर होगा, और जंक्शन के दाई ओर है ना सभी जो धारा है वह जंक्शन की ओर नहीं आएगा, वह जंक्शन से दूर जा रहा है ना, वह जंक्शन से दूर जा रहा है। किरचॉफ के प्रथम नियम में यह दिखाया गया है कि इधर से जाने वाली धारा जंक्शन की ओर होगी है ना, जबकि यहां से जाने वाली धारा जंक्शन से दूर होगी। तो आप खुद समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इधर से जो करंट जाएगा वह जंक्शन की ओर जा रहा है तब डायरेक्शन, और इधर वाली जो धारा है वह इस जंक्शन से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब इधर आ रहा है जंक्शन की ओर, इधर जा रहा है जंक्शन से दूर। तो सभी धारा का बीजगणितीय योग कितना हो गया, शून्य हो गया है ना। अब देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये आज का नया टॉपिक हो गया। यदि आपसे कोई पूछा कि किरचॉफ के किस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, तो आप आंसर कहिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब सवाल आया कि इसको आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं है ना, पहला बात दिमाग में आवे के शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं है ना, तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। बड़ा सिंपल है, समझ लीजिएगा। देखिए ये जंक्शन है दोस्त, ध्यान समझिएगा, ये जंक्शन है। अब आप गौर कीजिए है ना कि इस जंक्शन पर, समझिए गए, करंट इधर से आया, आया ना, करंट इधर से आ रहा है, ये आर वन रेसिस्टेंस है, ये आर टू है, ये आर थ्री, ये सब रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये आर फोर है, ये आर फाइव। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है ठीक ना, जंक्शन होते हुए इस दो भाग में करंट आगे बढ़ गया, और भी हम बढ़ा सकते हैं, आर छह ले लिया, आर सब जितना लेना ले सकते हैं, मतलब इधर से करंट आ रहा है, जंक्शन पर पड़ा और पड़ने के बाद करंट इधर चला गया। ये सोचो कि क्या जंक्शन पर करंट रुका, दिमाग होगा कि करंट आई वन के माध्यम से आया, आर टू के माध्यम से आया, आर थ्री के माध्यम से आया, और सीधा जंक्शन होते हुए, जंक्शन होते हुए करंट चला गया आर फोर आर फाइव में। ये सोच के बताइए कि क्या करंट जो आई वन आई टू आई थ्री है क्या जंक्शन पर रुका, नहीं रुका, सीधा जंक्शन होते हुए आर फोर आर फाइव के माध्यम से चला गया। इसका मतलब कि चालकों की संधि पर, इस जंक्शन पर आवेश रुकता नहीं है, मतलब यह आवेश को ना तो उत्पन्न करता है जंक्शन, ये जंक्शन है
ना तो आवेश को उत्पन्न करता है और ना ही आवेश को समाप्त करता है। इसीलिए इसको कहा गया क्या, चालकों के संधि नियम के लिए आवेश के संरक्षण का नियम। यदि आपसे कोई पूछे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है तो आप एक लाइन में बता सकते हैं ना, चलिए। तो यदि आपसे कोई पूछा कि अच्छा बताइए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, है ना, तो आप इसको फिगर के माध्यम दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात आप जरूरी नहीं कि फिगर आप ऐसा ही बनाइए, यहां देखिए, मतलब आप फिगर को चाहिएगा तो जैसे अपने अनुसार आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप फिगर ऐसे बना लीजिए, ये हो गया, यहां से हो गया, यहां से हो गया, यहां से हो गया, आप ऐसा ही फिगर बना सकते हैं ना, कट रहा नहीं। आप ऐसा ही फिगर बना सकते हैं है ना, जैसे देखिए इसमें मान लीजिए इसको I1, I2, ये I3, ये I4, ये I5। इसमें इसका डायरेक्शन इधर की ओर है जंक्शन, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर। आप खुद देखिए फिगर में, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सब किस ओर है, जंक्शन। यहां दीजिए इसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, मतलब अपने मन से, है ना, अपने मन से आपको ये दिखाना है कि भाई ये शो करना होगा अपने मन से, इस बात समझिए। ये फिर देखिए फिगर चेंज हो गया, पिछला जो फिगर आप देखे थे वो कुछ और था, इस फिगर में फिगर कुछ और है। मतलब डायरेक्शन मेन है कि आप कोई भी 4-5-6 को बना लिए उसमें से 2-3 का डायरेक्शन को आप अपोजिट शो किए, है ना। अपोजिट शो करने से ये फायदा हो गया ताकि आपको दिखाना होगा, है ना, कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, नहीं माइनस लीजिएगा तो फिर 0 नहीं होगा। तो खैर यदि आपसे कोई पूछता है दोस्तों पहला चीज कि अच्छा बताइए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, तो कहिएगा देखिए सर यहां से करंट आ रहा, समझना बात, यहां से भी करंट आया, यहां से भी करंट आया ना, फिर करंट कहां चला गया, I4 में। ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है कि ये तीनों से, देखो एक बात समझो, एक चीज क्लियर करो पहले, जहां जहां करंट का मतलब कि करंट का डायरेक्शन यदि जंक्शन की ओर है, जैसे इसका डायरेक्शन जंक्शन की ओर है, इसका डायरेक्शन जंक्शन की ओर है, इसका डायरेक्शन जंक्शन की ओर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस तीनों में करंट जंक्शन के पास आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। फिर ये करंट क्या हो रहा है, I4 I5 के माध्यम से चला जा रहा है। इसका मतलब कि जंक्शन पर करंट ना तो उत्पन्न होता है ना ही समाप्त होता है, यहां पर करंट संचित नहीं होता है, यहां पर करंट जमा नहीं होता है, यहां से करंट बहते रहता है, यहां रुकेगा नहीं करंट, बात को समझो, यहां करंट रुकेगा नहीं, है ना, यहां से करंट हमेशा बहते रहेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, तो आप कहिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, है ना, आवेश ना तो संचित रहता है, है ना, और ना ही वहां से हटता है, कहीं विनाश होता है ना, वह हमेशा गतिशील होता है, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, फिर यहां चला गया, यहां ना इस जंक्शन पर ना तो जमा होता है और ना ही यहां पर विनाश होता है, इसीलिए इसे कहता है आवेश संरक्षण का नियम। तो लिख लीजिए आप लोग, है ना, आप लोग हेडिंग दे लीजिए, हेडिंग दीजिए किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को
आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्योंकि किसी परिपथ में जब अस्थाई धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की किसी भी संधि पर आवेश ना तो जमा रहता है और ना ही वहां से हटाया जा सकता है। इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए हो गया दोस्तों, ये था किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना, जो खत्म हो गया। याद रखना था आपको दो बातें। पहली बात, यदि आपसे कोई पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो आप कहिएगा कि किसी विद्युतीय परिपथ में चालकों की संधि पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, है ना। आप फिगर बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, या इससे पहले जो आपको फिगर बनाया था आप ऐसा बना दीजिए। फिगर बनाने में आप ये शो कर दीजिए, है ना, कि दो तीन करंट जो है उसको जंक्शन की ओर लाइए, है ना, और दो तीन को जंक्शन से दूर ले जाइए। डायरेक्शन जो दीजिए, जो करंट, जिस करंट का डायरेक्शन जंक्शन की ओर होगा उसे धनात्मक माना जाएगा, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। और जिस करंट का डायरेक्शन जंक्शन से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा वह ऋणात्मक माना जाएगा, और इस प्रकार दोनों का योग शून्य हो जाता है, है ना। आप यह भी कह सकते हैं कि जंक्शन की ओर जितना भी करंट आएगा उन सभी का योग जंक्शन से दूर कितना जाएगा उन सभी के योग के बराबर होगा। मतलब कि I1, I2, I3 ये तीनों जंक्शन की ओर आ रहा है, तो इस तीनों का योग बराबर ये दोनों जंक्शन से दूर जा रहा है, इस दोनों का योग इक्वल होगा, है ना, और टोटल को जोड़िएगा तो जीरो पहुंच जाता है। तो चलिए अब अगला हेडिंग आप लोग दीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम हेडिंग दीजिए आप लोग, इसको मिटाया जाए। किरचॉफ का द्वितीय नियम,
देखा डैश दीजिए। इंग्लिश में किरचॉफ सेकेंड लॉ, चलिए डैश देकर नीचे लाइन में लिखिएगा, लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। नीचे लाइन में इसे लूप का नियम भी कहते हैं, लूप LOOP, लूप का नियम भी कहते हैं। इसे लूप का नियम भी कहते हैं, हो गया सब लोग के लिए। चलिए तो एक बात और ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिए, तुम ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना है सब लोग, ठीक ना। हाँ, और जहां दिक्कत हो वहां पूछिए भी, है ना, कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप लिख रहे क्वेश्चन, जहां दिक्कत है पूछ लिया कीजिए, है ना। फिर से समझाएंगे, सबसे पहला चीज, यदि आपसे कोई पूछता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपसे कोई पूछे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आपसे कोई पूछेगा किरचॉफ का धारा नियम क्या है, याद रखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या है। तो समझ जाना है कि यदि आपसे कोई पूछ रहा है किरचॉफ का धारा नियम क्या है, करेंट लॉ क्या है, है ना, किरचॉफ का करेंट लॉ क्या है, तो समझ जाना कि वो किरचॉफ का प्रथम नियम है। याद रखना, किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम कहते हैं। एक बात और याद कर लीजिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। ऐसा नहीं कोई आपसे पूछ दिया कि बता बुआ किरचॉफ के किरचॉफ का संधि नियम क्या है, वह चुप हो गए, नहीं, चुप नहीं रहना है, है ना, मुंह से कुछ निकाल देना है। अब क्या निकलेगा वो तुम जानो, बस ये बता देना, दिमाग में याद रखना है कि किरचॉफ के धारा नियम को भी कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, और किरचॉफ के संधि नियम को भी कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। उसी प्रकार मतलब कि किरचॉफ का प्रथम नियम दो नियम से जाना जाता है दोस्तों, उसका दो और भी नाम है, एक धारा का नियम, दूसरा संधि का नियम, ठीक है। उसी प्रकार किरचॉफ के द्वितीय नियम का भी दो नाम है, एक वोल्टता का नियम और दूसरा लूप का नियम। यहां तक याद हो गया। पहला बात, किरचॉफ के प्रथम नियम का अन्य क्या दो नाम है, पहला क्या बोलोगे, ठीक ना, धारा का नियम, पहला क्या बोलोगे, धारा का नियम, दूसरा क्या बोलोगे, संधि का नियम। ये दोनों नियम किसका है, किरचॉफ के प्रथम नियम का, है ना। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, ये पूछ दिया कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है। अब ये मत सोचना कि भाई सर जी तो पढ़ाए नहीं थे, याद रखना कि धारा नियम को भी कहते हैं प्रथम नियम, है ना, या संधि नियम को ही कहते हैं प्रथम नियम। उसी प्रकार किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं वोल्टता का नियम, है ना, या किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं लूप का नियम। पर इतना बात याद हो गया। चलिए अब हम आप लोग को फिगर बनाते हैं, फिगर से आप लोग समझिएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम का फिगर क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये R1 I1
ये आर टू आई टू, ये आर थ्री आई थ्री। देखिए ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का फिगर है दोस्तों, है ना। ये सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल है ई। इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, ध्यान समझेंगे। इस फिगर को आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहां से थोड़ा सा ऐसे निकाल दीजिए। इसका नाम I1 R1 कहीं भी ले सकते हैं आप, इसका नाम I2 R2, इसका नाम I3 R3, आप कहीं भी नाम कहीं भी आप ले सकते हैं, है ना। अब देखिए कितना आसान है किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलना, कितना आसान है ये देखिएगा, है ना। एकदम बढ़िया सीख लीजिए पहले। यदि आपसे कोई पूछता है थोड़ा नाम, इसका भी अच्छा सा नाम रख लीजिए ए बी सी। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है दोस्तों, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में, ध्यान समझिएगा याद हो जाएगा, किसी, देखो ये भी बंद परिपथ है ये भी बंद परिपथ है, तो किसी बंद परिपथ में, है ना, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ध्यान से मेरी बात सुनो, आज पूरा याद कर लो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलो, ध्यान सुना, कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा है ना, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, जैसे I1 का R1, I2 का R2, I3 का R3, है ना। तो क्या बोलोगे, ध्यान सुनो पहले, कि किसी बंद परिपथ में, यह एक बंद परिपथ है, यह पूरा बंद है, कहीं भी खुला नहीं है, अभी मत कहना सर ये ना रास्ता बनल है, ये सेल लगा हुआ है ना। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली, है ना, विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध माने ये I1 है तो ये क्या हो गया R1, ये I2 है तो ये R2, ये I3 है तो ये R3, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब कि I1 R1 है ना प्लस I2 R2, ये क्या हुआ, ये बीजगणितीय योग हो रहा है, इस दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के, है ना, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इक्वल टू ई, इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब ध्यान सीखना क्या बोलोगे, कि किसी विद्युत परिपथ के, ठीक ना, कोई विद्युत परिपथ है, कैसा परिपथ है, बंद परिपथ है, तो किसी बंद परिपथ में, ध्यान सुनना, किसी बंद परिपथ में, है ना, इतना बात समझ में आ रहा है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली सभी विद्युत धारा, सभी विद्युत धारा I1, I2, I3, सभी विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, जैसे I1 R1, I2 R2, I3 R3, है ना, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब इस दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना, याद रहेगा, लिख लीजिए पहले, लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार
किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में, पास बोलिए या क्षेत्र बोलिए, बंद क्षेत्र में, बंद पास में, फिर इसमें पास बोलते, प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धाराओं, प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धारा एवं प्रतिरोधों का, एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उस पास में कार्य करने वाले, सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके फिगर को उतारिएगा मत, कल फिर समझा देंगे, है ना। और साथ में समीकरण आपको समझा देंगे और यह भी बताएंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। तो ये अगले क्लास में। धन्यवाद।